आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो दोस्तों, राहुल गांधी भारत के प्रसिद्ध नेता और राजनीति के मशहूर व्यक्ति हैं। उनका जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। दोस्तों, राहुल गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं और राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हैं और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी माने जाते हैं। दोस्तों, बचपन से ही राहुल गांधी को राजनीति का व्यापक ज्ञान मिला। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी सभी प्रसिद्ध नेता रहे हैं। इन्हीं पारिवारिक प्रभावों से उनकी रुचि राजनीति में बढ़ती गई और दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा दून स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से विदेश में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। दोस्तों, राहुल गांधी की प्रवृत्ति देश सेवा और सामाजिक न्याय के प्रति रही है। उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। दोस्तों, राहुल गांधी ने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। दोस्तों, राहुल गांधी के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली विचारधारा और कार्यकर्ताओं के साथ दृष्टिकोण सामान्य जनता को काफी प्रभावित करती है। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और आम जनता के हित में कई उद्यमियों का समर्थन किया है। उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा और जनहित के प्रति उनकी संकल्पशीलता ने उन्हें लोगों के दिलों में स्थान बनाया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने राजनीति में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और आशा है कि वे आगे भी देश की सेवा करते रहेंगे। और दोस्तों, उनकी सोच, नेतृत्व क्षमता और समर्पण ने उन्हें एक विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभारा है। वे देशभक्ति और समाज सेवा के लिए अपने करियर को समर्पित करने के साथ साथ नई पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का भी संकल्प रखते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी एक युवा और उत्कृष्ट नेता हैं, जो सामरिकता, न्याय और नवीनतम विचारधारा की पक्षधर रहे हैं। उनका राजनीतिक करियर लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है और उन्हें देश की सेवा करने का सम्मान प्राप्त है। वे देश के भविष्य के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो देशभक्ति और सेवा भाव से युक्त है। और दोस्तों, मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। और दोस्तों, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुलेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने का क्या ग्राउंड तय किया है, कम सजा भी तो दी जा सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई। अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। और वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।